पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स एक फॉरेस्ट में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तभी उनको लगता है कि ट्रीज पर कोई जंप कर रहा है और वो कैरेक्टर एक नोट गिराता है जिसको ऐश उठाकर देखता है और उसमें एक पोकेमोन की पिक्चर होती है। वो रायचू से काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा था। सेरीना बोलती है कि शायद से तुम्हें अपने पिकाचू को अब इवॉल्व करना होगा। ऐश काफी टाइम तक इसके बारे में सोचता है और आगे जाके पिकाचू थंडर स्टोन को बाउंस करके उसके पास चले जाता है जिससे वो ग्लो होता है। अब आगे ऐश और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि पिकाचू इवॉल्व होने वाला है। पिकाचू ग्लो कर रहा था और ऐश काफी ज्यादा डरा हुआ था। पिकाचू की बॉडी बड़ी हो जाती है, उसके इयर्स भी बड़े हो जाते हैं और वो ऑरेंज कलर का हो जाता है, यानी कि वो रायचू में इवॉल्व हो गया था। ये देखकर ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या बोलना चाहिए। उसका बेस्ट फ्रेंड अब इवॉल्व हो चुका था और अब उसको आगे की जर्नी पिकाचू के साथ नहीं बल्कि रायचू के साथ करनी होगी। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। वो नहीं चाहता था कि पिकाचू इवॉल्व हो, बट ऐश के लिए पिकाचू इवॉल्व हो गया था। ब्रॉक, मिस्टी और सेरीना भी सब काफी शॉक होते हैं। ऐश रोने लगता है, बट वो नोटिस करता है कि रायचू कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, वो अजीब सा बिहेव कर रहा था। ऐश बोलता है, मेरा पिकाचू ऐसा नहीं था, ये शायद कोई और पोकेमोन है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये मेरा ही पिकाचू है। तभी उस रायचू के पीछे से एक पिकाचू आता है जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पिकाचू से गले मिल जाता है और यही ऐश का ओरिजिनल पिकाचू था, जिसको देखकर ब्रॉक और मिस्टी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर सेरीना सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पिकाचू ने ही थंडर स्टोन को टच किया था तो वो अभी भी इवॉल्व नहीं हुआ है और ये अलग से एक एक्स्ट्रा रायचू कहां से आ गया। बट अभी के लिए वो ऐश और पिकाचू के पास जाती है। ब्रॉक और मिस्टी भी काफी ज्यादा खुश होते हैं पिकाचू को वापस देखकर। सेरीना बोलती है, ये तो काफी खुशी की बात है कि हमारा पिकाचू इवॉल्व नहीं हुआ है, बट ये एक्स्ट्रा रायचू कहां से आया और पिकाचू इवॉल्व क्यों नहीं हुआ। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी भी ये बात सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रायचू किसका है और कहां से आया। तभी उनको ट्रीज पर किसी के जंप करने की वापस से आवाज आती है। वो लोग ऊपर देखते हैं और फाइनली उनको एक इंसान देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल निंजा के आउटफिट में था। वो नीचे आता है। ऐश बोलता है कि तुम कौन हो। वो निंजा बोलता है कि वेल, मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेने आया था और तुम पूरी तरह से टेस्ट में पास हो चुके हो क्योंकि तुमने अपने पिकाचू को इवॉल्व नहीं किया। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे पिकाचू का टेस्ट भी था जो कि पिकाचू ने भी पास कर लिया है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे पिकाचू का टेस्ट भी था जो कि पिकाचू ने भी पास कर लिया है क्योंकि तुमने पिकाचू को ना इवॉल्व करने के लिए अपने पोकेमोन मास्टर बनने के सपने को दांव पर लगा दिया था। वहीं पर पिकाचू ने तुम्हें पोकेमोन मास्टर बनाने के लिए अपने आप को दांव पर लगा दिया था, यानी कि तुम दोनों ही पास हो चुके हो। ऐश बोलता है कि अच्छा अब समझ में आया, बट ये रायचू किसका है और ये कहां से आ गया। वो निंजा बोलता है कि ये मेरा ही रायचू है, मुझे पोकेमोन मास्टर कमिटी के तरफ से एक पिकाचू मिला था जो कि पर्टिकुलरली इसी टास्क के लिए था। अगर तुम अपने पिकाचू को इवॉल्व कर देते तो तुम फेल हो जाते, बट क्योंकि तुमने ऐसा नहीं किया और आगे जाके खुद पिकाचू थंडर स्टोन से इवॉल्व होने वाला था तो मैंने जल्दी से अपने पिकाचू को बीच में भेज दिया, जिसके चलते वो थंडर स्टोन तुम्हारे पिकाचू नहीं बल्कि मेरे पिकाचू के ऊपर लगा और वो इवॉल्व हो गया रायचू में। और ये करने का ऑर्डर मुझे खुद पोकेमोन मास्टर कमिटी के तरफ से मिला था, तो कांग्रेचुलेशन, तुम इस टास्क को पास कर चुके हो। ऐश काफी ज्यादा खुश और साथ में इमोशनल भी हो जाता है। इस चीज ने ऐश और पिकाचू की फ्रेंडशिप को प्रूफ कर दिया था। ऐश और पिकाचू एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो निंजा बोलता है कि वेल अब मैं चलता हूँ और वो वहाँ से जाने लगता है, बट वो अपने साथ रायचू नहीं लेके गया था, जिसके लिए ऐश उसको बुलाता है और बोलता है कि है तुम अपना रायचू भूल गए हो। वो निंजा बोलता है कि मुझे पिकाचू एक पर्पस के लिए ही मिला था और वो पर्पस मैंने पूरा कर लिया है। अब क्योंकि ये पिकाचू रायचू में इवॉल्व हो चुका है तो ये मेरे काम नहीं आने वाला, बट हाँ ये तुम्हारे काम आने वाला है, तुम इसको कैच कर सकते हो। और इसके बाद वो निंजा वहाँ से चले जाता है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि रायचू उसको आगे काम क्यों आएगा, जबकि ऐश के पास पहले से खुद का पिकाचू है। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और इसको कैच कर लेना चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। ऐश अपने पिकाचू को बैटल फील्ड में भेजता है और रायचू और पिकाचू के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही पोकेमॉन थंडरबोल्ट का यूज करते हैं, पर ऐश के पिकाचू का थंडरबोल्ट कहीं ज्यादा पावरफुल था उस रायचू के थंडरबोल्ट से, जिसके चलते रायचू को डैमेज पड़ता है। फिर पिकाचू यूज करता है आयरन टेल अटैक का रायचू पर, जिसको रायचू अपनी स्पीड का यूज करके डॉज कर लेता है और यूज करता है इलेक्ट्रो बॉल अटैक का, जो कि ऐश के पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है। तभी ऐश बोलता है, पिकाचू आयरन टेल का यूज करके इस इलेक्ट्रो बॉल को रायचू के तरफ वापस से मोड़ दो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे ही करता है और उस इलेक्ट्रो बॉल को डॉज करने का रायचू को कोई भी चांस नहीं मिलता और वो उसके ऊपर लग जाता है, जिससे रायचू फेंट हो जाता है। बिना किसी टाइम वेस्ट के ऐश अपने पोकेबॉल को निकालता है और रायचू के ऊपर फेंक देता है। पोकेबॉल 3 बार शेक होता है और फाइनली ऐश रायचू को कैच कर लेता है। वो काफी इजीली डिफीट हो गया था पिकाचू से। ऐश रायचू के पोकेबॉल को उठाने जा रहा होता है, पर तभी वो पोकेबॉल टेलीपोर्ट होकर प्रोफेसर ओक के लैब में चले जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हारी टीम करेंटली पैक्ड है, तुम्हारे पास 6 पोकेमॉन ऑलरेडी है और अब तुम एक और एक्स्ट्रा पोकेमॉन अपने साथ नहीं रख सकते हो, जिसके चलते रायचू का पोकेबॉल टेलीपोर्ट हो गया प्रोफेसर ओक के लैब में। सेरीना बोलती है कि बट रायचू तो ऐश को आगे की जर्नी में काम आने वाला है,
है, इसीलिए उसको अपने टीम में ऐश को रखना होगा। ऐश बोलता है कि हाँ, रैचू का पोकेमॉन टीम में होना जरूरी है, बट वो लोग फॉरेस्ट के अंदर थे एंड उनको नहीं पता था कि उनको कहाँ जाना है। वो जंगल काफी ज्यादा मिस्टीरियस था और अगर उनको रैचू को अपने टीम में रखना था तो उस फॉरेस्ट से बाहर निकलना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी टाइम तक उस फॉरेस्ट में घूमते हैं बट उनको कोई भी सही रास्ता देखने को नहीं मिलता है। वो घूम चुके थे, मिस्टिक गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ब्रॉक तुम्हें देखकर यहाँ पर आना चाहिए था। अब हम घूम चुके हैं, सब काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रॉक अपने क्रो बैट को पॉकीबॉल से बाहर निकालता है और बोलता है क्रो बैट ऊपर जाके फ्लाई करके देखो कि इस फॉरेस्ट से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर है और हम इस जंगल से कैसे बाहर जा सकते हैं। क्रो बैट बिल्कुल ऐसे ही करता है और कुछ टाइम बाद वो ब्रॉक के पास वापस आता है एंड कुछ चीजें बताता है जिनको सुनकर ब्रॉक बोलता है कि एक बैड न्यूज है, ये जंगल काफी ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर ट्रीस ही ट्रीस है, कोई भी बाहर जाने का रास्ता क्रो बैट को देखने को नहीं मिल रहा है। सब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। सैना बोलती है कि हमें रिलैक्स करना चाहिए और अभी के लिए हमें लंच कर लेना चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ ये आइडिया सही है। ब्रॉक अपने सारे आइटम्स को बाहर निकालता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद खाना बन जाता है, सब लोग खाना शुरू कर देते हैं पर तब ऐश को कोई आवाज आती है और उसको लगता है कि उसके बैग के पास कोई पोकेमॉन या फिर इंसान है, जिसके चलते ऐश जल्दी से वहां पर जाता है और उसको देखने को मिलता है कि वहां पर सच में खाउंट डूम था, जिसने ऐश का सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन अपने माउथ में पकड़ा हुआ था। ऐश जल्दी से जंप मार के उस सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन को वापस लेने की कोशिश करता है पर वो खाउंट डूम डर के वहां से भाग जाता है और वो साथ में अपने साथ सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन भी ले जाता है। ऐश के जर्नी के लिए सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ऐश भी खाउंट डूम के पीछे भागता है। ब्रॉक, मिस्टी, सैना जो कि आराम से खाना खा रहे होते हैं वो भी देखते हैं कि ऐश अचानक से यहाँ से भाग गया है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उनको नहीं पता होता है कि ऐश अचानक से कहाँ चला गया, जबकि ऐश का बैग अभी भी